लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ फिर गरजना शुरू हो गया है। प्रयागराज में माफिया अतीक के भाई अशरफ की फरार पत्नी जैनब फातिमा और साले जैद का वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बनाया गया आलिशान मकान गुरुवार को जमींदोज कर दिया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने इस ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया। देश भर में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही का ब्रांड बन चुका योगी सरकार का बुलडोजर लोकसभा चुनाव के बाद प्रयागराज में फिर से एक्शन में आ गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को प्रयागराज के पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के अकबरपुर सलाहपुर इलाके में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा कर बनाई गई दो मंजिला इमारतों को जमींदोज कर दिया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता आईए हाशमी बताते हैं कि ये दोनों इमारतें वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बनाई गई थी। जिन अवैध इमारतों का ध्वस्तीकरण किया उसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पीडीए के मुताबिक वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने इस अवैध मकान के ध्वस्तीकरण को लेकर पहले ही जांच पड़ताल और विधिक कार्रवाई पूरी कर ली थी। ध्वस्तीकरण का नोटिस भी जारी कर दिया था। लगभग 7 बीघा जमीन अशरफ की फरार पत्नी जैनब फातिमा और उसके भाई जैद मास्टर और सद्दाम ने कब्जा किया था, जिसकी कीमत 50 करोड़ से अधिक आकी गई है। अवैध निर्माण इन्होंने वक्फ की जमीन पर किया हुआ था और इनको उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत नोटिस दी गई थी और इनको अपनी वैधानिकता प्रस्तुत करने के लिए और नक्शा साबित करने के लिए मौका दिया गया, सुनवाई का अवसर दिया गया, परंतु ये निर्धारित अवधि में अपनी सुनवाई में साबित नहीं कर पाए, न तो मकान की वैधानिकता प्रस्तुत कर पाए और न ही ओनरशिप दे पाए, तो ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था। उसी ध्वस्तीकरण आदेश के तहत आज कार्रवाई हो रही है। कितने बाई एरिया में है ये मकान? ये लगभग 30x70 के माप में है और जो 2 मंजिला G+1 का निर्माण है और निर्माण अभी चल ही रहा था क्योंकि मकान सील कर दिया गया था। अभी अंदर से आप देखेंगे तो जल्दी जल्दी बना दिया गया है, बट नीचे पिलर जो है अंदर आप जाके देखेंगे तो पिलर भी अभी लगने बाकी है, मतलब वो अटूट उठे हुए हैं। सर अभी ऐसी कितनी और संपत्ति इस पर इस तरह से अवैध कब्जा किया गया है? सर अभी पूरा रिकॉर्ड तो नहीं मालूम, मैं अभी प्राधिकरण में नया आया हूँ ट्रांसफर होकर के, तो चूंकि हमारे सामने ये फाइल आई थी और ये डिमोलिशन का ये है। ये कह सकते हैं ना कि ये जो मकान बना है ये वक्फ की जमीन है? वक्फ की जमीन पे है, क्योंकि साबित उन्हें करना है, उन्हें अवसर दिया गया, वो साबित नहीं कर पाए, ये वक्फ की जमीन पे निर्माण है, ओनरशिप उन्होंने अपने साबित नहीं कर। नवंबर 2023 में इसे लेकर FIR दर्ज कराई गई थी और धूमनगंज थाने की पुलिस ने 3 दिसंबर 2023 को गैंगस्टर एक्ट में मुनादी कराकर कुर्क कर लिया था। प्रयागराज में मिट्टी में मिल चुके माफिया अतीक अहमद और अशरफ की कई बेनामी और अपराध से अर्जित संपत्तियों पर अब तक बुलडोजर एक्शन के साथ ही कुर्की की कार्रवाई भी हो चुकी है। इसी क्रम में गुरुवार को अकबरपुर में अशरफ की फरार और 25,000 की इनामिया पत्नी जैनब फातिमा और उसके फरार साले जैद मास्टर के नाम पर दर्ज 2 इमारतों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। गौरतलब है कि 2023 को प्रयागराज में वकील उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद से अशरफ की पत्नी जैनब फरार है, जबकि 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में अशरफ और अतीक की हत्या के बाद से अशरफ का साला जैद मास्टर भी फरार है। अभी तक अतीक अशरफ गैंग के एक दर्जन से अधिक अपराध से अर्जित संपत्ति से बनाए मकान पर पीडीए का बुलडोजर चल चुका है। अब तक अतीक अहमद, भाई अशरफ और उसके गैंग की लगभग 1,800 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी।